अयोध्या की पटरंगा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां लगभग 22 लाख की रुपए की अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। डीसीएम के द्वारा हरियाणा से शराब की खेप को विभिन्न प्रांतों में तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था, जिसमें 188 गत्तों में मौजूद 9,332 बोतलों की शराब का अनुमानित मूल्य 22 लाख रुपए बताया जा रहा है। बरामद शराब बिना किसी वैध परमिट के तस्करी की जा रही थी, जिससे राजस्व को भारी क्षति पहुंच रही थी। तस्करी के आरोप में हरियाणा निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ग्रामीण शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर पटरंगा थाना की पुलिस ने चेकिंग लगा रखी थी। इस दौरान एक संदिग्ध डीसीएम वाहन का पीछा करके पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की। विभिन्न बांडों की यह शराब हरियाणा से यूपी होते हुए कई प्रांतों में तस्करी के लिए जा रही थी। डीसीएम में लगा नंबर प्लेट भी फेंक था। इससे उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व को भारी क्षति पहुंच रही थी। मामले में मनोज पुत्र हवा सिंह जनपद भिवानी राज्य हरियाणा को गिरफ्तार किया गया है। करीब एक माह पूर्व इस आरोपी की इसी थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई थी। कल दिनांक 26 अगस्त 2021 को थाना प्रभारी पटरंगा उनकी टीम के द्वारा सीओ रुदौली के सुपरविजन में एक बहुत ही अच्छा गुड़वर्क हुआ है, जिसमें अवैध शराब की तस्करी करने वाले गैंग को पकड़ा गया है और इसमें मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान कल हाईवे पर रानीमूल चौराहे पर पुलिस टीम के द्वारा एक संदिग्ध डीसीएम की गाड़ी को रोका गया और जब उसकी चेकिंग की गई तो उसमें लगभग 188 गत्तों में 9,332 बोतलों में कुल 1,630 लीटर विभिन्न ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब रिकवर हुई है। यह अवैध शराब हरियाणा से तस्करी करके और उत्तर प्रदेश के ट्रांजिट रूट से अन्य प्रदेशों में सप्लाई की जाती है। इससे भारी मात्रा में सरकारी राजस्व और टैक्स की चोरी की जा रही थी। इस टीम ने इस कार्यवाही से सरकारी राजस्व की चोरी को रोका है और गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बचाने का काम किया है। और इसमें जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ वो यूपी 15C T1966 ये डीसीएम है। इसमें जो नंबर प्लेट लगा हुआ है ये भी फेक है और ये इस नंबर पर कोई अन्य गाड़ी है। और ये जो मुलजिम इसमें एक गिरफ्तार हुआ है मौके से, ये मनोज पुत्र हवा सिंह निवासी ग्राम पोस्ट नूनसर थाना बहल जनपद भिवानी हरियाणा का है। यह पहले भी यहाँ पर लगभग एक माह पूर्व इसी प्रकार के शराब की तस्करी में एक डीसीएम अवैध शराब के साथ यहाँ पर पकड़ा गया था, जिसमें इसी थाने पर क्राइम नंबर 156/21/63/72 आबकारी अधिनियम और 419-20 IPC का अभियोग पंजीकृत हुआ था। ये पहले भी वांछित था और पुनः इसके द्वारा ये घटना कारित हुई है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ ये पकड़ा गया है। और आप देख रहे हैं ये लगभग इस बरामद अवैध शराब की कीमत लगभग 22 लाख रुपए इसकी आंकी गई है आबकारी विभाग के द्वारा। यह बहुत ही बड़ा गुडवर्क है, बहुत सराहनीय काम किया है थानाध्यक्ष पटरंगा और उनकी टीम ने। इसलिए इस टीम को उत्साहवर्धन के लिए 20,000 रुपए नकद पुरस्कार